पंडित कुंजीलाल दुबे राज्य के पुनर्गठन के कारण 1 नवंबर 1956 को उन्हें नवगठित मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1957 में जबलपुर क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद वे पुनः विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। जबलपुर विश्वविद्यालय विधेयक 1956 में पारित किया गया था और वह जबलपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे। जबलपुर विश्वविद्यालय का निर्माण आपके कार्यकाल में बड़ी सफलता के साथ हुआ और उनका कार्यकाल 11 वर्ष तक चला। 1967 के आम चुनाव में जबलपुर से पुनः निर्वाचित होने के बाद पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के मंत्रिमंडल में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और वे श्री श्यामाचरण शुक्ल के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। सर्वांगीण सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 1964 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया।